अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022। इसके बारे में हम आप लोगों के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, बिल्कुल भी कहीं पे स्किप मत करना है। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स आ जाएँ हम आप लोगों के साथ सबसे पहले उनको डिस्कस कर देंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो है 10,000-20,000 पोस्टर जो है वो विद इन डेज, 2 दिन 3 दिन में उसके फॉर्म लगने वाले हैं। तो आप लोगों के साथ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में शेयर करूंगा, क्या ये सही है या गलत है। देखिए, आपको अगर पता होगा, आज से लगभग एक महीने पहले यूनियन बजट 2022 का जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। तो उसमें जो है बजट में जो वैकेंट सीट्स हैं स्पेशली जेके पुलिस की, उसके बारे में जब बात उठी तो वहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि जो सेंक्शनड स्ट्रेंथ है जेके पुलिस की जम्मू कश्मीर में, कि मतलब सेंक्शनड स्ट्रेंथ मतलब कि कितनी पुलिस जो है, कितनी पोस्टर जो है वो फिल हो जानी चाहिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। तो वहाँ पे बताया लगभग 91,213, मतलब 91,000 प्लस जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो होने चाहिए जम्मू कश्मीर में। आपको पता होगा लास्ट जो रिक्रूटमेंट थी वो लगभग 2016 में आई थिंक हो गई थी, आज से लगभग 5-6 साल पहले। तो 5-6 साल में कोई रिक्रूटमेंट उसकी नहीं हुई। तो उसमें जो है फिर बताया गया यूनियन बजट में ही जो वैकेंसीज फिल हैं वो लगभग 80,938 वैकेंसी जो है वो फिल हुई हैं आउट ऑफ 91,000 वैकेंसीज। तो इसमें जो है वैकेंट जो रहती हैं वो लगभग 10,275 सीट्स आर स्टिल वैकेंट इन जेके पुलिस, मतलब कि 10,000 प्लस जो सीट्स हैं वो अभी वैकेंट हैं जेके पुलिस में, क्योंकि 5-6 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो उसके बाद उनको फिल करने की बात जब वहाँ पर उठी तो उसमें बताया गया कि जो पुलिस की जो बॉर्डर बटालियन, आपको पता होगा 2 की 3 बटालियंस जो हैं, एक वोमेन के लिए है और एक मेल के लिए है, उसको जो है अभी रजिस्ट्रेशन उसका चल रहा है, वो अभी फिल नहीं हुई है। तो उसमें जो है बताया गया है कि जब तक ना जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाए तब तक जो है ये पोस्ट जो है ये इनकी जो फॉर्म है ये अभी लगने वाले तब तक नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जब तक ना जेकेपी बॉर्डर बटालियन के फॉर्म, उसका फिजिकल वगैरह, मेडिकल जो कुछ भी हो, एग्ज़ाम होता है वो जब तक ना कंप्लीट हो जाए, जब तक ना उसकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाए, तब तक ये 10,000 पोस्टर्स जो हैं ये तब तक एडवर्टाइज़ नहीं कर दी जाएंगी। अब उसमें कितना टाइम लगता है, क्या टाइम लगता है, लगभग 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे बॉर्डर बटालियन को कम्प्लीट होने में, क्योंकि अभी उसके फॉर्म चल रहे। तो ओवरऑल आप ऐसा समझ लो कि इस साल के एंड में या 2023 में या 2022 में ही जो है ये 10,000 पोस्टर जो कांस्टेबल के हैं ये फिल होने वाले हैं, ये फिल हो जाएंगे 2022 और 23, इन 2 सालों में जो है ये जितने भी सीट्स वैकेंट हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो क्लास 4th वगैरह जो एसएसबी की हैं पोस्टर्स, वो 20,000 प्लस अभी वैकेंट है, वो भी फिल होने वाली हैं 2022 और 23 में। और कांस्टेबल जो पुलिस हैं इसके भी 10,200 कुछ सीट जो वैकेंट हैं ये भी फिल हो जाएंगे इसी साल या अगले साल। तो फिलहाल जो हमने आपको अपडेट दिया ये है कि जो सीट्स वो लगभग 10,000 प्लस अभी वैकेंट है और वो फिल हो जाएंगी। और आप इन बातों पे जो है भरोसा मत करो कि 2 दिन 3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगी, अभी कोई भी नोटिफिकेशन आने वाली नहीं है इसके बारे में। जब तक ना कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन कंप्लीट हो जाए तब तक कोई ना कोई जो है एडवर्टाइजमेंट आने वाली नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हमने शेयर की, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए आने वाले अपडेट्स के लिए।